दोस्तों मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2016 में रिलीज हुई मूवी कैप्टन फैंटास्टिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे आईएमडीबी पर 7.8 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हम जंगल का सीन देखते हैं, जहां पर हम बेन और उसकी फैमिली को देखते हैं। बेन के 6 बच्चे हैं और वो उनके साथ वॉशिंगटन के जंगलों में रहता है। बेन और उसकी वाइफ लेस्ली ने डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चों को सर्वाइवल स्किल्स के साथ बड़ा करेंगे। बेन और लेस्ली अपने बच्चों को क्रिटिकली सोचने की क्षमता देना चाहते हैं। वो उन्हें फिजिकली फिट रखना चाहते हैं ताकि वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपने आप को जिंदा रख सकें। उन्होंने अपने बच्चों को हर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर रखा है। उन्होंने अपने बच्चों को कम उम्र में ही इस काबिल बनाया है कि वो कॉलेज लेवल का लिटरेचर पढ़ सकें। उनके बच्चे बाकी बच्चों से बहुत इंटेलिजेंट हैं। हालांकि ये इंटेलिजेंस उनके अंदर अभी उनकी उम्र के हिसाब से 10 से 15 साल बाद आनी चाहिए थी, बट बेन और लेस्ली के बच्चे हर फील्ड में उन बच्चों से आगे हैं जो नॉर्मल वर्ल्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। बेन और लेस्ली अपने बच्चों के साथ क्रिसमस की जगह नॉम चॉम्स्की का बर्थडे मनाते हैं। नॉम चॉम्स्की को अमेरिका की एक प्रसिद्ध हस्ती माना जाता है, जो कि अपनी लाइफ में पब्लिक इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुका है। बेन और लेस्ली का मानना है कि क्रिसमस हम अंधविश्वास में मनाते हैं, लेकिन नॉम चॉम्स्की ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए हमें उसका बर्थडे मनाना चाहिए। और नॉम चॉम्स्की के बर्थडे के दिन बेन अपने बच्चों को एक एक चाकू गिफ्ट करता है। बेन की वाइफ लेस्ली को बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे हॉस्पिटलाइज करके रखा है। लेकिन एक दिन लेस्ली के पेरेंट्स बेन को बताते हैं कि इस बाइपोलर डिसऑर्डर के चलते लेस्ली ने सुसाइड कर लिया है। बेन ये बात अपने बच्चों को बता देता है। उसके बच्चे ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन बेन को पता चलता है कि लेस्ली के पेरेंट्स लेस्ली को क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार जमीन के अंदर दफनाने वाले हैं। लेकिन ये बात सिर्फ बेन को पता होती है कि लेस्ली दरअसल एक बुद्धिस्ट थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद उसे जला दिया जाए। इसलिए वो लेस्ली के पिता जैक को कॉल करके बताता है कि लेस्ली एक बुद्धिस्ट थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके शव को जला दिया जाए। लेकिन लेस्ली का पिता जैक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो बेन को धमकी देता है कि अगर तुम लेस्ली के फ्यूनरल में आए तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। हालांकि बेन के बच्चे अपनी माँ के फ्यूनरल में जाना चाहते थे, लेकिन बेन उन्हें मना कर देता है। उसे पता था कि जैक उसे अरेस्ट करवा देगा। बेन अपनी वाइफ लेस्ली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ लेस्ली की आखिरी इच्छा को पूरा करके ही रहेगा। वो अपने बच्चों को बता देता है कि हम माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं। उसके बच्चे ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और ये सभी लोग एक रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। रास्ते में बेन और उसके बच्चों को बहुत भूख लगती है, लेकिन बेन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें रेस्टोरेंट में खाना खिला सके। इसलिए बेन एक ग्रोसरी स्टोर में हार्ट अटैक का नाटक करता है, जिस वजह से ग्रोसरी स्टोर का सारा स्टाफ उसी के पास आ जाता है और पीछे से उसके बच्चे सामान चुरा कर भाग जाते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद बेन अब रात में अपनी बहन के घर पे पहुंच जाता है। बेन की सिस्टर का नाम हार्पर है। हार्पर के पति को बेन की फैमिली बहुत अजीब लगती है। वो उन्हें जंगली समझता है, क्योंकि बेन की फैमिली नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करती। वो सभी लोग सोशली बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल के अंदर अकेले बिताई है। हार्पर और उसका पति बेन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उसे अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में एडमिट करवाना चाहिए, जहाँ पर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल सके और वो दुनिया के तौर तरीके समझ सके। लेकिन ये बात सुनकर बेन हार्पर के बच्चों को बुलाता है और उनसे सवाल पूछता है, और इस सवाल का जवाब उन्हें पता नहीं था। और इसके बाद बेन अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाता है और उससे वही सवाल पूछता है, और वो उसे उस सवाल का जवाब दे देती है। और उसकी इंटेलिजेंस देखकर हार्पर की फैमिली पूरी तरह से दंग रह जाती है। और अगले दिन बेन वहाँ से अपने बच्चों को लेकर निकल जाता है। अब बेन को सफर में एक और दिन बीत जाता है और अगले दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग ट्रक्स में रहते थे। वहां पर बेन का सबसे बड़ा बेटा बॉडमैन एक पार्क में योगा करने लगता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की देख लेती है। वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसके पास चली जाती है। बॉडमैन उस लड़की के साथ बात करते समय बहुत घबराता है। वो उसी लड़की के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है
और अब रात हो जाती है। बॉडविन उस लड़की को अपनी फैमिली के बारे में सब झूठ बोलता है, जैसा कि उन्हें बैन ने करने के लिए कहा था। देर रात बॉडविन और वो लड़की एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। बॉडविन अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को किस कर रहा था, ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। और इस पहले एक्सपीरियंस की वजह से बॉडविन बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है, इवन कि वो उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अगले दिन बेन बॉडविन और अपने बाकी बच्चों को लेकर इस जगह से भी निकल जाता है और आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी बीवी लेस्ली का फ्यूनरल चल रहा था। वहां पर बेन को देखकर बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि कोई भी बेन और उसकी फैमिली को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, खासकर लेस्ली के पेरेंट्स। लेस्ली के पिता जैक को बेन को वहां पर देखकर बहुत गुस्सा आता है। बेन अचानक से खड़ा होकर सभी लोगों के सामने आ जाता है और सभी लोगों के सामने अपनी बीवी की विल को पढ़ता है, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी बॉडी को क्रीमेट कर दिया जाए, यानी जला दिया जाए। लेकिन ये बात सुनकर जैक को गुस्सा आता है और वो बेन को बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद भी बेन जैक को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। वो बेन को धमकी देता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। बेन को पता था कि इस दुनिया में उसके अलावा उसके बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस बात से वो बहुत दुखी होता है कि वो अपनी वाइफ की आखिरी इच्छा को पूरी नहीं कर पाया। अब बेन रात में एक जगह पर आराम करने के लिए अपनी गाड़ी रोकता है, जहाँ पर बेन का बड़ा बेटा बॉडविन और उसका छोटा बेटा रेलियन बात करते हैं। रेलियन कहता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसके पिता बेन में उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने की क्षमता नहीं है। अगर उनमें क्षमता होती तो आज उनकी माँ जिंदा होती। जब उनकी माँ बीमार थी तो उनके पिता बेन ने उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया, जबकि उन्हें उसका ख्याल खुद रखना चाहिए था। यानी उसका बेटा रेलियन अपनी माँ की मौत के लिए अपने पिता बेन को ही जिम्मेदार मानता है। इसलिए रेलियन रात में ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे भाग जाता है। उसकी बातें सुनकर उसके बड़े भाई बॉडविन को भी अपने पिता बेन पर शक होने लगता है। वो भी बेन के पास आकर उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उन्हें असली दुनिया में रहने लायक नहीं बनाया है। बॉडविन ने बहुत सारे आईवी लीग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस भेजी थी और उन कॉलेजेस में वो सेलेक्ट भी हो गया था। वो अपने पिता बेन से कहता है कि मैं कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ और मेरी मॉम भी यही चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इन एप्लीकेशंस को फिल करने में मेरी मदद की थी। लेकिन बेन उसे कॉलेज भेजने के लिए तैयार नहीं था और इस बात से बॉडविन को और भी गुस्सा आता है। वो बेन को बताता है कि आपके इसी बिहेवियर की वजह से आपका छोटा बेटा रेलियन आज ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे रहने के लिए चला गया है। ये बात सुनते ही बेन जैक के घर पे आ जाता है ताकि वो अपने बेटे को वहाँ से ले जा सके। वहाँ पहुँचकर बेन अपने बेटे रेलियन से बात करता है, लेकिन रेलियन उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। ये बात सुनकर जैक बेन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन बेन अपने बेटे के बिना वहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए जैक पुलिस को कॉल करता है, जिस वजह से बेन वहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन बेन अभी भी हिम्मत नहीं हारता, वो बाहर से अपनी बेटी को रेलियन के कमरे में भेजता है। उसकी बेटी छत पर चढ़ जाती है, लेकिन वो छत से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसकी गर्दन टूट जाती है। बेन उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले आता है। बेन अब इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है, इसीलिए वो अपनी बेटी के ठीक होने के बाद अपने सभी बच्चों को लेकर जैक के घर पे आता है, जहाँ पर उसके बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। और वहीं पर जैक रियलाइज करता है कि उसे अब अपने बच्चों को यहीं पर छोड़ना होगा, क्योंकि उसकी वजह से उसके बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है। बेन जैक के पास आता है और उसे अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद बेन अपनी बस लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में बेन बहुत दुखी होता है, वो बहुत रोता है, इसीलिए वो एक जगह पर गाड़ी रोककर अपनी दाढ़ी शेव करता है। बेन रात में एक जगह पर रुकता है और वहाँ पर आग जलाकर अपने बच्चों और अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी उसकी बस से उसके बच्चे नीचे उतरते हैं। दरअसल वो इतनी देर तक उसकी बस के अंदर ही छुपे हुए थे। बेन को उसके बच्चे बताते हैं कि हमें किसी भी हाल में अपनी मॉम की आखिरी इच्छा को पूरा करना है। बेन इसके लिए तैयार नहीं था, वो उनकी जान को फिर से खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन उसके बच्चे बहुत जिद करते हैं और आखिरकार वो बेन को कन्विंस कर ही लेते हैं और बेन अपने बच्चों को लेकर रात में ही कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। बेन लेस्ली की कब्र को फिर से खोदता है और उसकी कब्र से लेस्ली की लाश चुरा लेता है। बेन लेस्ली की लाश को अपने साथ ले जाता है
और एक नदी किनारे रुककर वो उसकी लाश को जला देता है, लेकिन जलाते समय वो उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार गाना गाते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे जलाते समय उसका परिवार दुखी हो, उसने अपनी आखिरी इच्छा में ये भी लिखा था कि उसे जलाने के बाद उसकी अस्थियां टॉयलेट में बहा दी जाए। इसीलिए बेन अपनी फैमिली को लेकर एक एयरपोर्ट में आता है और एयरपोर्ट के टॉयलेट में लेस्ली की अस्थियां बहा देता है। और इसी एयरपोर्ट से बॉडमैन अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है और बेन उसे जाने की अनुमति दे देता है। बेन उसे हंसते हुए अलविदा कहता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि बेन अपनी फैमिली के साथ एक फार्म में रहता है और उसने अपने बच्चों को अब स्कूल में भी एडमिट करवा दिया है और वो स्कूल की बस का वेट कर रहा था। यानी अब फाइनली वो अपने बच्चों को बाहरी दुनिया के साथ रहने की इजाजत देता है और उन्हें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में किस तरह जिंदगी जी जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।